हेलो गाइस, AK's टेक्निकल सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम आ रहा है, आप किसी को भी मैसेज सेंड कर रहे हो तो वो सेंडिंग में चला जा रहा है, बट उस साइड से मैसेज आ रहा है। आप इधर से किसी को भी बंदे को मैसेज कर रहे हो तो वो मैसेज नहीं जा रहा है डेटा ऑन होने के बावजूद भी। दोस्तों आप देख सकते हो, मैं किसी को भी मैसेज सेंड कर रहा हूं तो वो मैसेज नहीं जा रहा है, ओनली सेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है बस। तो दोस्तों, आपके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी मैसेज सेंडिंग वाली जो भी प्रॉब्लम होगी वो 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जो आपका इंस्टाग्राम का लोगो दिख रहा है, आपको कुछ सेकंड के लिए आपको उसको दबाए रखना है। और दबाए रखने के बाद दोस्तों, आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऐप इन्फॉर्मेशन। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, स्टोरेज। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्लियर डेटा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको टू ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्लियर ऑल डेटा। दोस्तों, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको ये डेटा क्लियर कर लेना है ओके करके। उसके बाद दोस्तों, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों, आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, क्लियर ऑल डेटा। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको क्लियर डेटा कर लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आपको आ जाना है बैक। अब बैक आने के बाद दोस्तों, आपको फ़ोन रिस्टार्ट करना है, नहीं तो आप फ़ोन स्विच ऑफ करके ऑन कर सकते हो अपना फ़ोन। दोस्तों, फ़ोन ऑन होने के बाद आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। क्लिक करके ओपन होने के बाद आपको गाइस इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आपका फेसबुक से साइनअप है इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके आप साइनअप कर सकते हो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट। यदि आपका फेसबुक अकाउंट से इंस्टाग्राम आईडी नहीं बना, तो नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साइनिंग। आपको इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। तो चलिए, हम साइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप सेकंड पेज पर पहुँच जाओगे। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड आपको डाल लेना है। तो चलिए, हम डाल लेते हैं। और डालने के बाद दोस्तों, आपको ये लॉगिन कर लेना है अपना इंस्टाग्राम अकाउंट। दोस्तों, लॉगिन होने के बाद गाइस, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, मैसेज जा रहा है नहीं जा रहा, वो हमारी जो मैसेज वाली जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है नहीं हुई। तो गाइस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किसी को भी मैसेज करके। तो चलिए, हम आपको कोने में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है सिंपल सा। क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब इसमें से मैं किसी को भी एक जने को मैसेज करके आपको मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस, देख सकते हो, मैं ये मैसेज टाइप कर रहा हूँ। टाइप करने के बाद मैंने ये मैसेज भेज दिया। तो गाइस, आप देख सकते हो, जो हमारी जो पहले सेंडिंग वाली जो प्रॉब्लम थी वो अब सॉल्व हो गई, डायरेक्टली मैसेज करती है, मैसेज जा चुका है दोस्तों ये। तो गाइस, यदि आपकी सेंडिंग वाली जो भी प्रॉब्लम होगी तो आपकी इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है दोस्तों यदि ये करने के बावजूद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो दोस्तों, काम करना है, जो मैंने ये ट्रिक बताया ये तो आपको करना ही है दोस्तों, लेकिन उसके बाद आपको एक काम और करना है दोस्तों। कम से कम आपको 3-4 दिन के लिए आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन नहीं रखनी है, आपको अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम अकाउंट आपको लॉग आउट कर देना है। कम से कम आपको 3-4 दिन के लिए आपको अपना इंस्टाग्राम लॉगिन नहीं रखनी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आप 3-4 दिन के बाद अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन करोगे तो आपका 100% मैं 100 के साथ आपको कह रहा हूँ, आपकी जो भी सेंडिंग वाली जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो 100% आपकी सॉल्व हो जाएगी, मैसेज जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू गाइज़।